कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह खाद तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, अर्जेंटीना से क्या खबर है, ब्राजील के बाजारों से क्या खबर है, सीवॉट के बाजारों में क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों की रंगत क्या है, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। तो जो लोग भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं, अर्जेंटीना में अगर बात करी जाए तो नई सोया फसल बहुत बड़ी देखते हुए किसान नई पुरानी फसल को तेजी से बिकवाली इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए बाजारों में आप देख रहे हैं कि बाजारों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ब्राजील में 96% सोयाबीन की बिजाई अगर बात करी जाए तो पूरी हो चुकी है। सीबॉट सोया तेल की अब बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों में, तो सीबॉट सोया तेल का वायदा जून में इस साल की लो की क्लोजिंग 46.12 सेंट को तोड़ने में एक बहुत बड़ा रिस्क होता हुआ नजर आ रहा है। सोया तेल फंड मंदी में ओवरसोल्ड पे है। कल सेशन खुलने से सीबॉट $16 की बाजारों में गिरावट आई। फंड ने शॉर्ट पोजीशन कवर करते हुए दो घंटे में शुरू में जो नुकसान बाजारों में देखा जा रहा था, बाजार में आपने देखा था पहले जब कल सीबॉट का बाजार खुला तो 65 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन बाजार बंद होते होते 33 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजारों में 33 सेंट की बढ़त के साथ बाजार इवनिंग में जो लास्ट नाइट क्लोज हुआ है वो 33 सेंट की क्लोजिंग हुई है। जबकि केएलसी अगर देखी जाए तो केएलसी -20 रिंगिट गिरावट के साथ सुबह का बाजार ओपन होता हुआ नजर आया है। पाम की अगर बात करी जाए तो पाम का तेल अभी भी बाजारों में ऑलरेडी बाजारों में सबसे सेफ देखा जा रहा है। इस महीने केएलसी $22 की गिरावट देखी गई है, $22 गिरावट है, ये सीबॉट $88 क्रैश हुआ है। मलेशिया में ओलिन $27 टूटी, अर्जेंटीना में सोया तेल कल तक $150 टूट चुका था, रूस में सन आया $100 की अभी तक मंदी पूरी कर ली है। एडमिल ऑयल में अब लोकल बाजारों के भाव बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट पर सटीक रणनीति, मार्केट में किस तरीके से आप कहां खरीदारी करें, कहां पर बिकवाली करें, स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर जाके आप हमारे साथ वहां मॉर्निंग सेशन ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बात करेंगे सोया ऑयल का बाजार क्या रहा। तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार ₹92 बोला गया, पामोलिन का बाजार ₹84 से ₹85 के बीच में रहा, राइस ब्रैन ऑयल का बाजार ₹80 बोला गया, मस्टर्ड ऑयल का बाजार ₹106, सोयाबीन सीड का बाजार ₹4750 रहा, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार ₹770, फॉरवर्ड में ₹775, पामोलिन का बाजार ₹815, सोया रिफाइंड ₹875, जबकि सोया डिगम का बाजार ₹790, फॉरवर्ड में ₹795 रहा, सनफ्लावर ऑयल का बाजार ₹890। केएलसी हमने आपको पहले ही बता दिया -20 रिंगिट की गिरावट के साथ ओपनिंग हुई है, अभी -14 रिंगिट चल रही है। सोया ऑयल का आज का सपोर्ट का लेवल ₹91, रेजिस्टेंस का लेवल ₹93, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल ₹83, रेजिस्टेंस का लेवल ₹85, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल ₹80, रेजिस्टेंस का लेवल ₹82, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल ₹5600, रेजिस्टेंस का लेवल ₹58, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल ₹4750, रेजिस्टेंस का लेवल ₹49 देखा जा रहा है। ओवरऑल आउटलुक बाजारों में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से खरीदारी करिए। विस्तार से जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, उस पर जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24। नमस्कार।